तो पांचवा रूल तो मेरा बहुत सिंपल है कि चोरों से काम कभी नहीं करना है मेरा फिल्टर पांडव रहता है फर्स्ट फिल्टर इज ईमानदारी सच्चाई ट्रस्ट है फिर भीम स्ट्रॉन्ग कंपनीज स्ट्रांग बैलेंस शीट अर्जुन की तरफ फोकस क्योंकि एक एक व्यापार बनाना इतना मुश्किल होता है सीरियस <laughs> पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सात बार गिरूंगा लेकिन आठ बार खड़े होंगे तो पहला रूल जो मैंने समझ रखा है वो है एक शब्द वो है आशावादी होना यू हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्ट और आशावादी मतलब यही है कि मेरा कल मेरे आज से बेहतर होगा हमारे देश की कंपनियों का कल आज से बेहतर होगा हमारा देश का कल आज से बेहतर यू नो कल आज से बेहतर होगा और शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँ बहुत मज़ेदार कहानी इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भारत में मैं पैदा हुआ था और शायद उस भारत में आप भी पैदा हुए थे mm. और आज का जो भारत है क्या फर्क है mm. और ये कहानी मेरी ओरिजिनल नहीं है रोनल रीगर ने यह कहानी सुनाई थी रशिया का मजाक उड़ाने के लिए तो मेरी बेटी को समझाने के लिए कि हम जिस भारत में पैदा हुए थे और आज है क्या फर्क है तो किस्सा यह है कि मेरे पिताजी शर्मा जी गए गैस सिलेंडर लेने के लिए 1977 में <laughs> सरकारी ऑफिसर गए अफसर से पूछा कि सर गैस सिलेंडर कब आएगा तो उन्होंने कहा शर्मा जी छह साल बाद उन्नीस में आपका गैस सिलेंडर आ जाएगा <laughs> तो शर्मा जी ने पूछा कि ठीक है उन्नीस में आ जाएगा छह साल बाद सुबह आएगा कि शाम को आएगा mm. तो सरकारी ऑफिसर कहता है क्या शर्मा जी छह साल बाद गैस सिलेंडर आना क्या फर्क पड़ता है तो पा, पापा कहते हैं अरे नहीं 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 सुबह टेलीफोन लाइन वाला आने वाला है <laughs> तो हमारा जो भारत था जिसमें मैं पैदा हुआ था आई एम श्योर आप भी, yes, yes. अभाव का भारत था Correct. आज का भारत है भरमार का भारत ऑप्टिमिज्म का भारत आशा का भारत तो और आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है सबसे पहले आपको आशावादी होना पड़ेगा ये पहला पॉइंट है पहला पॉइंट है मेरा इफ यू आर नॉट ऑप्टिमिस्ट आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते तो शर्मा जी की जरूरत तो आज की बड़ी चल रही है हाँ आज ही सुबह किसी ने जो शेयर किया शर्मा जी का लड़का शर्मा जी का दमाद और शर्मा जी का मैनेजर शर्माओं ने जन्मा ना रखा अच्छा है शर्माओं का जन्मा चले भगवान पे है ओके तो पहला पॉइंट हो गया कि आशावादी होना चाहिए स्क्रीन पे भी दिखाइए इसको कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट है कि हर कुछ दुनिया में सिक्लिकल है ओके okay. कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है हमेशा रहेगा hmm. और हमारी माइथोलॉजी में आपको मालूम है ब्रह्मा विष्णु महेश hmm. और अमेरिकन थिंकिंग में उसको कहते हैं एसकर्व कोई भी इंडस्ट्री शुरू होती है ब्रह्मा क्रिएशन ग्रोथ है विष्णु और ऐसे महेश खत्म होना ओके okay. आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए किसी भी कंपनी को ले लीजिए शुरुआत होती है एक ग्रोथ आता है हमेशा रखता हूं। ये गाड़ी। हम जब पैदा हुए थे इसका वर्चस्व था भारत में सिर्फ अम्बासडर दिखती थी आज इनकी फैक्ट्री भी नहीं है एक दो गाड़ियां दिखती हैं क्यों इनका वर्चस्व था आज दिखती नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम लोग आई गेस इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे तब तक ये Ambassador और का जलवा तो यही गाड़िया थी यही गाड़ियां थी तो आप इमेजिन करिए जिनकी मोनोपली है कोडेक सौ साल का वर्चस्व फिल्म में दस साल में खत्म हो गया डिजिटल कैमरा और आपको अचंबा होगा डिजिटल कैमरा का इन्वेंशन कोडैक के अंदर ही हुआ सर उन्नीस सौ छिहत्तर में जो हमारी ग्राफिक प्लेट में इसमें दिखाई लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये है यस हर चीज की एक शुरुआत है ब्रह्मा क्रिएशन हाँ। हर चीज का एक ग्रोथ फेज आता है जो इसी जो इसीलिए मैं कहता गुड टू ग्रेट हाँ जी यही है राइट यहां okay. अगर ग्राफिक हाँ तो सामने मुझे ग्राफिक दिख रही है तो ब्रह्मा इज द क्रिएशन फेज okay. हर कंपनी की शुरुआत ब्रह्मा से होती है इनोवेशन रिसर्च फिर एक बार वो प्रोडक्ट मार्केट स्टैब्लिश हो जाता है फिर आता है ग्रोथ फेज जो हमारा भारत आज गुड टू ग्रेट जा रहा है हम लोग विष्णु के फेज में हम लोग आज मोस्ट इंडस्ट्री में विष्णु के फेज में पर कैपिटा इनकम ले लीजिए हमारी ढाई तीन डॉलर है चाइना की 10 से 12 है अमेरिका की 45 से 50 है तो वो मच्योर हो गए हैं मोस्ट इंडस्ट्रीज मच्योर हो गई हैं हमारे यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ बिकनी बची है वहाँ तो गाड़ियों का बाजार मच्योर हो गया है तो हर इंडस्ट्री इस फेज से जाती है और मैं इसी फेज में इन्वेस्ट करता हूँ कि गुड टू ग्रेट ये मेरे जापान के बॉस ने मुझे सिखाया था नहीं। नहीं। एक पीरियड था दो से दो बहुत मुश्किल समय था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी और शेयर चल नहीं रहे थे हमारे इन्वेस्टमेंट चल नहीं रहे थे तब उन्होंने बताया कि जापान की एक कहावत है नाना कोरोबी या ओकी यानी कि मैं सात बार गिरूंगा लेकिन आठ बार खड़े होंगे और जब आठवीं बार खड़े होंगे फिर नहीं गिरूंगा यानी कि ग्रिड चाहिए और आज रामनवमी है hmm. भगवान राम ने भी वनवास किया था राइट right. पांडवों ने अज्ञातवास किया था तो हमारा भी वनवास होता है हमारा भी अज्ञातवास होता है हमारी भी मुश्किल आती है सब की आती है और इन्वेस्टिंग आसान नहीं होता है कई बार ऐसे पीरियड्स आते हैं जब पैसे नहीं बनते हैं शेयर्स नहीं चलते हैं हमारी थीसेस नहीं चलती है नहीं। उस वक्त जैसा उन्होंने कहा ना अपने आप को समझना बहुत जरूरी है उस वक्त आपको सेल्फ बिलीव चाहिए धैर्य चाहिए और यह संयम चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं अगर कल बेटर होगा कंपनियां अच्छी कर रही हैं आपकी थीसिस आ जाती है इसलिए गिवअप नहीं मारना है लगे रहना है सात बार गिरना है लेकिन आठवीं बार खड़ा होना है और ये जिंदगी में भी चाहिए हमें नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग में अच्छा मुझे किसी ने बताया कि अगर एक बूंद पानी रोज गिराया जाए और उसको 100 की कंपाउंडिंग दी जाए तो फुटबॉल के मैदान में बाल में बाढ़ आ आ जाएगी जाएगी बिल्कुल बिल्कुल दिन है ना हिमालय आपके सामने है दो से चार मिलीमीटर बढ़ता है और अगर करोड़ों साल तक बढ़े तो नौ किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ बन जा बन सकता है तो अगर छोटा ग्रोथ भी हर साल हो तो हिमालय का पहाड़ खड़ा हो गया जी एग्जैक्टली चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट है कि uh, मेरे ख्याल से सेल्फ बिलीफ है। यस। yes, right? स्वाभिमान। स्वाभिमान तो अब और अभिमान में थोड़ी सी डिफरेंस होती है mm. मेरी बिलीफ है कि स्वाभिमान बहुत जरूरी है mm. अपने आप पे अपनी कंपनियों पे अपने देश पे दुनिया पे। mm. और गलतियां हम तब करते हैं जब हमारा स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है कि मैं ही हूं ये मैंने शेयर खरीदा बहुत पैसे मैंने खरीदूंगा मेरे से बेहतर कोई है नहीं दुनिया में और वहीं से गलतियां शुरू होती है उस पॉइंट पे ही मैं आऊंगा लेकिन स्वाभिमानी होना बहुत जरूरी है एज अ नेशन एज एन इंडिविजुअल एज कंपनी मैंने ये कंपनी खरीदी खराब तो हो ही नहीं सकती नहीं हो सकती है ना मैंने ट्रेड लिया है ट्रेडर्स के लिए भी है, जो ट्रेडर देख रहे हैं वो भी सीखे कि मैंने ट्रेड लिया भी गलत कैसे हो सकता है इसको तो मैं सही करके रहूंगा क्योंकि मैं हूं मैंने रहूँगा रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा मैं और इसको मैं सही करके दिखाऊंगा बिल्कुल वहां पे अभिमान आ गलती हुई है और मैंने पिछले 20-30 सालों में लोगों को जो देखा है और साल से मैं जो इन्वेस्ट कर यू नो you know, पतन शुरू हुआ है या जो भी शुरू मार्केट इज सुप्रीम बिल्कुल आपको ईगो नहीं रखना मार्केट से लड़ नहीं पाओगे आप हार जाओगे तो मार्केट के सामने आप आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए अच्छे चीजें चुनिए लेकिन ये नहीं कि मैंने ये वाला ले लिया है स्टॉक तो अब ये तो चल के रहेगा कुछ भी हो जाए नहीं होता है ऐसा होता नहीं है मार्केट पूरा आपको सिखा देता है तो देखिए हम लोगों ने क्या सीखा सेल्फ बिलीव स्वाभिमान होना चाहिए आपको आशावादी भी रहिए स्वाभिमान भी रहिए अपने आप को समझिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए ये सब एक दूसरे के ऊपर बिल्ट हो रहे तो हमने अभी आपके, आपके चार पॉइंट समझ लिए जी पाँचवा तो अगेन मैं इंडियन माइथोलॉजी से बहुत रिलेट करता हूँ गीता महाभारत रामायण से तो पांचवा रूल तो मेरा बहुत सिंपल है कि चोरों से काम कभी नहीं करना है चाहे एक रुपया कम बने और मेरा फिल्टर पांडव रहता है पांडवों में सबसे बड़ी थे युधिष्ठिर युधिष्ठिर मतलब ही इंटेग्रिटी मेरा किसी भी कंपनी में जो छलनी होती है ना जिसमें से चीज़ निकल के आती है पहली मेरी फिल्टर मैकेनिज्म है युधिष्ठिर अगर मुझे मालूम है कि यह कंपनी की इंटेग्रिटी इशू है अकाउंटिंग इशू है कॉर्पोट गवर्नेंस इशू है मेरा दो रुपया ज़्यादा बन जाए मैं उस गली की तरफ देखता भी नहीं हूँ फर्स्ट फिल्टर इज ईमानदारी सच्चाई ट्रस्ट वो हो जाता है फिर भीम स्ट्रांग कंपनीज स्ट्रांग बैलेंस शीट फिर है अर्जुन फोकस मछली की आंख दिख रही है और कुछ नहीं है तो हम टिपिकली जब इन्वेस्ट करते हैं एक कंपनी एक मैनेजमेंट 24 घंटा एक ही चीज करता है हम इसलिए कॉन्ग्लॉबरेट जिसके 15-20 धंधे हैं उन कंपनियों में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं हुँ. अर्जुन की तरफ फोकस क्योंकि एक, एक व्यापार बनाना इतना मुश्किल होता है पांच व्यापार आप कैसे बनाएंगे फिर आता है नकुल और सहदेव नकुल इज ब्यूटी ब्यूटी इज ब्रांड्स आपने सुना होगा हाई रिटर्न ऑन कैपिटल मैं टेक्निकल में जाऊंगा ही नहीं।, नहीं अच्छे ब्रांड्स जो आपको हर जगह दिखते हैं जो रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं वो है नकुल और फाइनली सहदेव शहनशील यू नो गुड कॉपोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर्स की सुनना कस्टमर्स की सुनना अच्छे एम्प्लॉज रखना तो ये पांच फिल्टर हैं यही मेरा पांचवा पांचवाइज पांडव बट पहला है युधिष्ठिर टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट यस किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज उसमें नहीं हो सकता बिल्कुल भी मैनेजमेंट इंटीग्रिटी नंबर वन, यस 24 कैरेट बस फिर दूसरा है भीम की तरह कंपनी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए दम होना चाहिए कि कोरोना झेल जाएगा बिल्कुल है ना फिर तीसरा अर्जुन फोकस्ड मैनेजमेंट करना क्या है लाइफ में कंपनी किधर ले जानी है ये पता होना चाहिए इसलिए आपका फोकस होना चाहिए और फिर ब्यूटी यानी ब्रांड्स पुश फैक्टर नहीं होना चाहिए पुल फैक्टर होना चाहिए बिल्कुल लोग लो देख के कहें यही वाला लेना मेरे को ना ये वाला गुच्छी का ही बैग लेना मेरे को। है ना <laughs> और टॉलरेंस कि अगर कंपनी की एजीएम में किसी ने टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो गुस्सा नहीं होने बिल्कुल उसको रिसीव करना सुन लेगा तो ये फिफ्थ पॉइंट में पांडव होना चाहिए छठवा पॉइंट छठवा पॉइंट है ये प्रॉब्लली आज की अगर आप ग्राफिक दिखा दे तो मैं इस ग्राफिक पे बात करना चाहूंगा Yes. अगर, yes. आप कुछ भी करते हैं कोई भी शेयर खरीदते हैं या कोई रिलेशनशिप है चार ही चीज हो सकती है mm. बहुत ज्यादा मुनाफा लार्ज प्रॉफिट mm. छोटा मुनाफा mm. छोटा लॉस और लार्ज लॉस mm. अगर अगले 20-30 साल जो आपको निवेश करना है आप सिर्फ लार्ज लॉस अवॉइड करिए mm. और रिलेशनशिप्स में भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहिए और इसमें दो चीज है सिर्फ पैसे का लार्ज लॉस नहीं मानसिकता का भी लार्ज लॉस नहीं होना यू शुड नॉट है लार्ज लॉस ऑफ माइंड एंड मनी कि मैं एक लेवरेज लेके उधार लेके शेयर खरीद लिया साठ सत्तर परसेंट प्राइस गिर गई मैं इतना डिप्रेस हो जाता हूं कि मैं दोबारा खड़ा ही नहीं हो सकता लाइफ में और व्यापार में भी होता है और मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं मैं कलकत्ते में था एक इंदौर से हमारे मित्र आए हुए थे बहुत अच्छा उनका छोटा सा पैकेजिंग का यू नो व्यापार है चालीस पचास लाख रुपए की सेविंग है अब देख रहे हैं कि ईर्ष्या है लालच है शेयर बाजार में क्या है ईर्षा लालच हमको पहुंचा देता है कबूतरों की तरह yeah. तो आ गए उन्होंने पांच शेयर खरीदे जिसमें एक शेयर तीस लाख का रुपया लिया है और बाकी चार चार पांच पांच लाख के और वो शेयर पचास परसेंट डाउन आज तक शेयर बाजार में नहीं किया है पूरी पूंजी क्यों कि भैया लोग पैसा बना रहे हैं मैं भी बना लूं और उनको जो लार्ज लॉस हुआ है ऑलमोस्ट सदमा पहुंचा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको मैं टेक्निकल टर्म में तो एलोकेशन यस वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका गलत एलोकेशन एक बार हो गया तो भाई उठ नहीं पाओगे दोबारा और एलोकेशन अगर आपने सही से कर लिया तो हाँ। तो वेल्थ तो बनने रोक नहीं नहीं सकते बिल्कुल नहीं। तो अगर आप अगले 20-30 साल से ये तीन चीजों पे ध्यान रखें थोड़ा लॉस होगा जैसे विशाल जी ने कहा कि थोड़ी परमानेंट लॉस नहीं होना चाहिए थोड़ा मुनाफा होगा कभी कभी बहुत मुनाफा भी होगा लेकिन ज्यादा रिस्क लेना जबरदस्ती रिस्क लेना ज्यादा ईर्षा से ज्यादा लालच करना इसी से गलतियां होती है यही अभिमान भी आता है तो जो ग्रीड एंड फेयर की एक रिपोर्ट आती थी हाँ, जो लोग पढ़ते होंगे वो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट हाँ, आती थी ग्रीड एंड फेयर की पहले आती थी अब क्योंकि वो सज्जन जैसे और अजय जी पहले तो उनके क्रिस्ट वुड उनका नाम है क्रिस्वुड उनको जो दुनिया का जो ज्ञान है ना जैसे मैं कई बार मजाक में कहता हूं आपके एक ग्राफिक भी है कि वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को क्रिस फूड जितना दुनिया को जानते हैं इसलिए वो भारत को मेरे से बेहतर ये ये बहुत अभी रुक जाइए अच्छा मैं इस पे आते हैं आ, ये सीरियस पॉइंट <laughs> है <laughs> सातवा में बहुत लंबा नहीं खींचूंगा और ये है अभिमान का प्रॉब्लम mm. ये तीन ग्राफिक मैंने बनाए हैं पहला जो पाई चार्ट है लेफ्ट में आप देखिए आपके पास लेट्स शेयर हैं एक शेयर में आपने 40 परसेंट पैसा डाल दिया जो लाल वाला है अब आप जब रिसर्च करते हैं उस पर आपने इतना पैसा डाल रखा है कि रिसर्च उसका टाइम सत्तर से अस्सी परसेंट ले लेता है okay. आमतौर पे आपके पास दस शेयर हैं तो दस दस परसेंट टाइम आप हर शेयर को देना चाहेंगे लेकिन एक शेयर में आप बहुत कॉन्सेंट्रेट जब कर लेते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में आप जब रिसर्च करते हैं ना तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा ले लेता है वही शेयर वो कहते हैं ना अंग्रेजी में क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क तो रोता हुआ जो शेयर है ना मम्मी उसी को दूध पिलाएगी लेकिन अब क्या होता है कि इमोशन शेयर की जो आपने बात करी जो विशाल जी ने बात करी yeah. कि सोना अच्छे से है रिटर्न ऑन स्ट्रेस कमाल कमाल का विशाल जी ने बहुत अच्छी बात बोली रिटर्न ऑन स्ट्रेस ही मैं सोचूंगा yeah. आपने कहा यार आज मैं थ्री इडियट्स देखने जा रहा हूँ वहां एक सीन चल रही है और सोच में उस शेयर के बारे में रहा हूं जहां मैंने तीस लाख रुपए डाल दिए करेक्ट एंड दिस इज वेयर इमोशन का लार्ज लॉस होता है सो देअर फोर एक डिसिप्लिन बनानी चाहिए जो हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं ना हम कह देते हैं अगर बीस शेयर लूंगा ना

जितना इमोशनल इंगेजमेंट हमारा था मेरे प्रोड्यूसर साहब से पूछे अभी आपकी मुलाकात हुई थी कि हम लोग वीकेंड में यही सोच रहे थे कि उनके ग्राफिक आ जाएँ तो ऐसे बनाएंगे शो के डिज़ाइन ऐसे करेंगे अब पूरा वीकेंड हम लोग इसी में इंगेज थे मैं एक, एक सीरीज़ देख रहा था फोडा फोर फौ, सीजन फोर फोडा हाँ। उसमें भी मेरे दिमाग में बीच चल रहा था, था कि वो ग्राफिक आए कि नहीं आए <laughs> मैंने इनको फ़ोन भी किया तो ये इमोशनल इंगेजमेंट कई बार पॉजिटिव होता है ये तो मेरे लिए पॉजिटिव था क्योंकि ये ये शो मैं बहुत दिल से बनाना चाहता था लोगों के लिए तो

<laughs> <laughs> anyway, <the> so <laughs> कुएं भारत को देखा होगा हम नानी के घर जाते थे छत पे हम दाने डालते थे पहले एक आता था <laughs> फिर दूसरा देखता था लालच कर रहा ईर्ष्या से मैं भी पहुंच जाता हूँ धीरे धीरे कबूतर आते थे एक एक करके एक बिल्ली आई सारे एक साथ उड़ जाते थे शेयर बाजार में भी यही होता है आते सब धीरे धीरे हैं उड़ते ये सब सब तो फैल हाँ, गई बस, ले लिया तो शेयर चढ़ता सीढ़ी से है धीरे धीरे उतरता लिफ्ट से सारे एक साथ उतरना चाहते हैं आ, जब मैं कह रहा हूं कि गरुड़ बनना चाहिए ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा अगर भारत को समझना है अगर आपको वोल्टास का एसी समझना है तो आपको डाइकिन को समझना पड़ेगा आपको चाइना के ग्रीक को समझना पड़ेगा आपको सम, सब सबको समझना पड़ेगा तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर बेटर इन्वेस्टर बनना है कुएं का मेढक होके सिर्फ भारत 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 नहीं दुनिया समझिए बाहर क्या हो रहा है समझिए कंपनियों के बारे में पढ़िए और कबूतर से गरुड़ बनिए गरुड़ ऊपर उड़ रहा है उसको सारी छतें दिख रही हैं उसको मालूम है इस छत पे कबूतर भरे हैं वो छत खाली है मैं वहां जाके दाना चुगूंगा यही मैं कहना चाहता जी नाइन्थ में बहुत जल्दी से बता देता हूँ तीन बीज हैं बी 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 तीनों जरूरी हैं सबसे पहला है पैसे बनाना दूसरा है पैसे बचाना वो अलग फिलॉसफी है कि ज्यादा खर्चा ना करें शोषा ना करें दिखावा ना करें और फाइनली है पैसे बढ़ाना और नीरज जी सिर्फ ये दिस इज नॉट जस्ट अबाउट पैसा mm. स्वयं को भी बनाना जी स्वयं को भी बचाना जो आपने हेल्थ की बात करी कि पैसे बना के करूंगा क्या अगर उसको यूज भी नहीं कर पाया राइट right. राइट right? और हमारे यहाँ बहुत एग्जाम्पल्स भी हैं राकेश जी का एग्जाम्पल है हेल्थ का उन्होंने ध्यान नहीं दिया एग्जैक्टली exactly. राइट right? खुद को भी बनाना mm. खुद को भी बचाना mm. खुद को भी बढ़ाना विच इज नॉलेज सीखना तो ये संक्षिप्त में बताया मैंने और फाइनली एनी वे आप कुछ कहना चाहिए टेंथ इज फाइनली जो पुड़िया की आपने बात करी ना क्या yeah. है जो मैं जी टू जी की बात करता हूं करेक्ट ये चार बॉक्सेस आप देख लीजिए एक्स एक्सिस जो नीचे की लाइन है वो है गुड बिजनेस या ग्रेट बिजनेस uh. और वाई एक्सिस है गुड वैल्यूएशन या ग्रेट वैल्यूएशन मेरे जी टू जी में एक नंबर टू है बीच में uh. मेरी फिलॉसफी ये रही है कि गुड से ग्रेट खरीदना है ग्रेट से गुड जो दूसरा जी टू जी है उसको अवॉइड करना है और दूसरा ग्रेट टू गुड होता है जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश कर्व में चीजें महेश में आ जाती है एक्चुअली वो जुड़ गया इसमें से यस yes. सो so, पहला और लास्ट में ऐसे ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं आई हाँ. बिलीव so, कि अगर मुझे भी गुड से ग्रेट बनना है आशावादी बनना है बिल्कुल तो पहले बॉक्स में अगर आपको कंपनियां मिले कि गुड कंपनी एट गुड वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म आप खरीद लीजिए इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ग्रेट ग्रेट हो गई हैं बहुत अच्छी कंपनी है राइट विल डू वेरी वेल बट अल्टीमेटली आपको पैसे बनाने

मतलब उतना अच्छा रिटर्न बना के नहीं देंगी कंपनीज आर कंपनी कोई दिक्कत नहीं yes. लेकिन वो ग्रेट लेवल पे पहुंच गई है तो कई बार ग्रेटनेस भी बहुत भारी yes. पड़ ग्रेट ग्रेट जब हो जाए मैं तो टिपिकली कहता हूं निकल जाना और लास्ट yes. एक इंग्लिश कॉमेंट मालूंगा सर्वाइवर डजेंट मीन दे विल आउट परफॉर्म जस्ट बिकॉज एक कंपनी पचास साल जिंदा रहेगी मीन की वो शेयर बाजार को आउट परफॉर्म करेगी एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया अजय जी विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इन्वेस्टर्स को ये सिखाने के लिए कि इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है इतना टफ भी नहीं